गुड मॉर्निंग आप सब लोगों का। आज नए दिन की नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। पहले आप लोग, हमने थोड़ी जन्माष्टमी की व्लॉग बनाई हुई थी, इतने दिन हो गए थे हमने व्लॉग नहीं बनाई थी, बट जो जन्माष्टमी पे हमने पूजा वगैरह की थी वो हमने व्लॉग वगैरह बना ली थी, तो पहले आप लोग वो देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को थोड़ी ही देर में, एक दो मिनट में मिलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं बनाई थी। पूजा की थी, प्रसाद वगैरह खाया था और बस झूला दे दिया था कृष्ण कन्हैया जी को। आप लोग वो वाली व्लॉग देखिए, फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, तो हेलो नमस्ते इस्लाम से सरकार जी है ना स्वागत वाक मैंने कर देसी ब्लॉग में। आप इस चैनल पर नहीं हैं तो मेरे सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाइए और वीडियो जरूर देखिए। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत लेके प्रभु के नाम बोलो जय सियाराम। आज है जन्माष्टमी, तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से जन्माष्टमी आप लोगों ने इंडिया में मना ली होगी, और अगर आप यहाँ से अमेरिका से देख रहे हो तो हैप्पी जन्माष्टमी, और अगर इंडिया से देख रहे हो तो हैप्पी बिलेटेड जन्माष्टमी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में अगला दिन हो चुका होगा। पर एनीवे गाइस, आज हम शाम का टाइम हो गया है, सुबह से हम बहुत बिजी चल रहा था स्केड्यूल। आज फ्राइडे का दिन है, घास वगैरह भी हमने काट लिए, तो अभी हम थोड़ी पूजा वगैरह करने लगे थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। हर साल हम पूजा वगैरह करते हैं, झूला वगैरह बनाते हैं, पिछले साल भी आपने देखा होगा, तो इस साल भी हमने बनाया था, तो अभी हम वही कर रहे हैं। तो बेटा फूल वगैरह तोड़ रही है, जितन बार घूम रहा है। चलिए गाइस अंदर चलते हैं, आप लोगों को झूला दिखाते हैं और थोड़ी पूजा वगैरह कर लेते हैं। कृष्ण जी के भजन लगा दिए, बट हमारा झूला रेडी हो गया, अभी कन्हैया जी को हम लेके आएंगे अंदर। बट थोड़ी बहुत हमने डेकोरेशन वगैरह कर दिया, दीपिका नहीं करी है, बट देखो लाइटें वगैरह चमकी क्यों थी, अभी कैमरा में चमक रही थी बट वैसे तो नहीं चमक रही थी, बट अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाते हैं। जोत वगैरह हमने जला लिया, अगरबत्ती चल रही और कान्हा जी को हमने अंदर बिठा दिया। ये लाइट पता नहीं क्यों चमकारे मार रही है, बट ऐसे नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे लाइट वैसे चमक नहीं रही, पता नहीं वीडियो में क्यों ऐसे आ रही है। देखो अब स्टेबल हो जाती है, देखो अब स्टेबल हो गई, पर कान्हा जी अंदर बिठाए हुए हैं हमने। ये देखो हमने यहाँ से झूला दे देना, पहले आरती कर ले। First low. होपफुली आप लोगों ने हमारी जन्माष्टमी की व्लॉग एंजॉय की होगी, बट आज बहुत बढ़िया मौसम निकला हुआ है, धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई है बट बादल छाए हुए हैं। बट आज हम बड़ा लंबा चौड़ा काम करने लगे हैं, वो काम करने लगे हैं अपनी जीप को थोड़ा अपग्रेड करने लगे हैं। इतने दिनों से हम सिर्फ अपनी बाइक वगैरह को अपग्रेड कर रहे थे, तो मेरे मन में आया कि यार हम अपनी जीप को भी थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं। ये बस कहाँ से आ गई, दो मिनट रुकी है फ्रेंड्स। अभी पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमारे पीछे पूरी पाइपें पड़ रही हैं घर के पिछली वाली सड़क पे, तो ये बस वगैरह ट्रकें वगैरह आते रहते हैं तो शोर बहुत पड़ता है, तो इसीलिए हमने ब्लॉग बंद कर दी थी, क्योंकि ये जब इतनी ज़ोर ज़ोर से ट्रक वगैरह चलते होते तो कुछ सुनने में नहीं आता। देखो अभी आप लोगों को मैं एक और दिखाता हूँ, एक वो ट्रालर सा आ रहा है, इतना शोर मचा के जा रहा है, इधर मुड़ जाना, क्योंकि इधर पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है पीछे और नई पाइपें डाल रहे हैं, तो ऊपर से आते हैं और यहाँ से मुड़ जाते हैं। मैं सोच रहा था कि हम अपनी थोड़ी जीप को अपग्रेड कर दें, वो किस लिए करना है वो आप लोगों को आने वाली व्लॉग में पता चलेगा, बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है, बहुत बड़ी फ़न व्लॉग होने वाली है। अभी हम 3-4 दिनों से हमने व्लॉग वगैरह नहीं डाली थी, तो मतलब ना हम थोड़ा काम वगैरह में बिज़ी थे, और फिर मन में भी आ रहा था यार इतनी मेहनत से हमने चैनल बनाया, इतनी व्लॉग्स वगैरह डाल चुके हैं, 270 व्लॉग डाल चुके हैं, तो यही सोच रहे हैं कि हम आज से अब रेगुलर व्लॉग बनाया करेंगे। और चलिए गाइज आज के व्लॉग को तो हम शुरू करते हैं, अपनी जीप को थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं। एक पैकेज ये आया हुआ है, ये देखो इतना बड़ा पैकेज है, और इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे, ये चीज़ हमने निकाल देनी है। इसको लास्ट बार आप देख लीजिए, ये देखो बस भी आ गई,
की बसें अभी यहीं पर घूमी जा रही हैं। पर इन्होंने गाइस इसको आप लास्ट बार देख लीजिए, अब हम इसको अपग्रेड करने लगे हैं। और दूसरा पैकेज जो हमारा आया हुआ है, ये पैकेज ही ऐसे डैमेज आया था, बट इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट हम आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, एक एक चीज़ नहीं दिखाएंगे, हम टाइम लैप्स पे लगा देंगे ताकि फटाफट आप लोग भी देख लीजिए कि आके अपग्रेड हो रहा है। जी हमने अपने जीप की लाइटें लूटे सब खोल दी, ग्रिल वगैरह उतार दी है और ऐसी दिख रही है अपनी जीप। अब आप लोग सोचोगे कि क्या करने वाले हैं, आप लोगों ने वैसे तो टाइम लैप्स में थोड़ा बहुत देख लिया होगा, हम लगाने लगे हैं अपनी न्यू ग्रिल जीप पे। ये देखो ये पड़ी है अपनी पुरानी, इसको हम अपने पीछे शेड वगैरह में रख लेंगे। और ये थी इसकी लाइटें, ये रहा दूसरा बल्ब, बल्ब भी वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट जो हमने ऑर्डर किया है वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि हमें अपने ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो हम जितना चाहते हैं उतना ही इसको स्मोक्ड करने की कोशिश करते हैं। और लाइटें वगैरह देखो यहाँ से पील होनी शुरू हो गई है, ये लाइटों का यही मतलब होता है पंगा, ये यहाँ से पील होती नहीं, आई थिंक ये रिंग है, हाँ ये रिंग का कलर निकल रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको भी बाद में देखेंगे कितनी गंदी हुई पड़ी है, मतलब इसको भी क्लीन करना है। ये देख रहे हो फेंडर्स, ये सन की वजह से हुए हैं सारे फेंडर्स वाइट हो गए, इसको भी अभी क्लीन कर देने पूरी तरह। और हमें लगा था कि इसके साथ बल्ब्स नहीं आए, जो पहले आप लोगों ने देखा होगा ये रे बल्ब, बट जो हमने लाइटें लगाई हैं इसके बीच में वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, बट जब लग जाएंगे तब दिखाएंगे। तो बल्ब साथ में लग के आए हैं, मतलब बढ़िया चीज़ है, ये ग्रिल सेपरेट आई है और ये जो बल्ब्स हमने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं ये सेपरेट आए हैं। लो गाइस अपनी जीप की नई ग्रिल लग चुकी है और साथ में लाइटें देखो आप स्मोक्ड करती, ये भी हमने और ये वाली भी इतनी बढ़िया लग रही है। वैसे ये जो फ्लैग है हमारा हमारी दूसरी ग्रिल में लगा हुआ था, बट इस पर ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा बढ़िया लग रहा है, शो अच्छा लग रहा है, तो हमने इसको दोबारा अनहुक किया, हमने लगा दी थी ग्रिल, फिर हमें याद आया कि फ्लैग भी पड़ा, तो हमने फ्लैग भी अंदर इंसर्ट डाल दिया था कि ये वैसे तो यहाँ पे जाली लगी हुई है ताकि रेडिएटर में कुछ ना जाए, बट ये फ्लैग से और बढ़िया हो जाता है। मतलब ये इनकी ज़्यादा लाइट नहीं है क्योंकि ये स्मोक्ड आउट हुए हुए हैं, आप देखोगे इनमें ज़्यादा लाइट नहीं आ रही, बट ये ज़्यादा ऐसे होते हैं क्योंकि ये अगर आप क्लियर वाले लेते हैं तो उनमें ज़्यादा लाइट आती है, बट ये स्मोक्ड आउट है। बट आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमने फ्लैग लगाया, दोनों में फ्लैग लगे हुए हैं। धूप यहाँ पे इतनी बहुत तिखी होती है तो जो फेंडर्स वगैरह होते हैं स्पेशली प्लास्टिक वगैरह, आपको पता है रंग वगैरह उड़ जाता है, अगर बाहर बच्चे के टॉयज़ वगैरह भी पड़े हो या कुछ भी प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी पड़ी हो तो अगर धूप में रखोगे तो वो रंग वगैरह उड़ जाता है, इसीलिए हमने इसका रिस्टोरर भी मंगवाया, बट वो रिस्टोर हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम अपनी कार को जीप को वॉश नहीं कर लेते, तो अभी हम वॉश कर लेते हैं। गाड़ी हमने घास के ऊपर इसलिए आपको पता है क्यों खड़ी करते हैं, क्योंकि घास को भी पानी मिल जाता है और साथ में हमारी गाड़ी भी वॉश हो जाती है, तो एक ही तीर से दो निशाने लग जाते हैं, इसीलिए हम अब अपने ड्राइववे में नहीं कार को वॉश करते, हम अपनी घास के ऊपर गाड़ी को वॉश करते हैं। गाड़ी अपनी वॉश हो गई है, क्लीन हो गई, बट आप देखोगे ये जो फेंडर्स हैं और ये जो आगे का इसका बम्पर है
इसको हम इसके साथ अब रिस्टोर करेंगे। ये हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था तो होपफुली हो जाए, क्योंकि ये धूप के कारण पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, बट इसके साथ होपफुली इसका कलर वापस आ जाए। और आप डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे हमने लगाया हुआ ये, और यहाँ पर देखो नहीं लगाया हुआ, सॉरी कोई मैसेज आ गया था, बट एनीवे गाइस देखो अगर आप डिफरेंस यहाँ पे लगाया हुआ है यहाँ पे नहीं लगाया तो कितना डिफरेंस लग रहा है। तो अभी सब पर अप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ प्लास्टिक के ऊपर आप रिस्टोर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लगा देंगे बट लोहे के ऊपर नहीं लगाएंगे, ये प्लास्टिक रिस्टोरर होता है। तो बढ़िया चीज़ है, हमने अमेज़ॉन से ही मंगवाई है, बट काम कर जाए। अब ये नहीं पता कितने दिन रहती है, बट आप लोगों को हम अपडेट करते रहेंगे। लो गाइस अपनी गाड़ी हो गई है तो पूरी तरह कंप्लीट, बस एक चीज़ रह गई है, वो कल करेंगे, जो है इस पर थोड़ा स्प्रे मारना, वो उसको क्या बोलते हैं डिटेलिंग करनी। वरना नहीं भाई गाइस, ये जो हमने रिस्टोरर मंगवाया बहुत बढ़िया, देखो पूरा का पूरा इसने रिस्टोर कर दिया। ये धूप के कारण हो जाती है, यहाँ से रह गई गंदी, बट ये मिट्टी तो जीप की चलती रहती है, जीप पर मिट्टी ना लगे हो तो फिर ऐसे जीप जीप नहीं रहती। बट एनी वे गाइस टायर टूर हमने चमका दिए सारे, और लेके जानी थी अपनी बाइक पर लेके जा रहे हैं अपनी जीप। फाइनली टाइम मिल गया थोड़ा जिम जाएं, बट गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचते क्योंकि कल हमारा लंबा ट्रिप होने वाला है, हम जा रहे हैं वेकेशन पे, आप लोगों को बता देते हैं, बट कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को कल ही पता चलेगा। बड़ा मज़ा आने वाला है, बने रहिए हमारी ब्लॉग में, फ़न होने वाला है। जीप हम अपनी लेके जा रहे हैं, पीडाटी नहीं लेके जा रहे, इसलिए आज हमने अपनी जीप को सारा छुपका छुपको दिया, जो जो काम करने वाले थे वो कर दिए जीप के ऊपर, ग्रिल चेंज करनी थी वो भी कर दी, और लाइटें लुटे भी चेंज कर दी। एक और चीज़ जो हमने ऑर्डर की हुई थी वो आई नहीं टाइम से, तो कोई बात नहीं, अब उसकी अगली बार कर देंगे चेंज। एनीवे गाइस आज की व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मिश्र लाइक का बटन जरूर दबा देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर कर लिए तो आगे से आगे शेयर करना। और जो हमारा वेकेशन आने वाला है वहाँ पे हम पिछले साल भी गए थे, आप लोगों को थोड़ा गैस हो जाएगा, वो भी पिछले साल हम अगस्त में गए थे, तो आपको अगर पिछली व्लॉग जाके देखनी हो तो पता चल जाएगा कहाँ पर जा रहे हैं, बट वहीं पर हम जा रहे हैं, फ़न होने वाला है, मज़ा आने वाला है, टोटल इन्जॉय होगा आप लोगों के साथ। बट चलिए गाइस आज की व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। Have a good night.